तीन सॉन्ग ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और वो बज नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था अभी तक। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में जो अपडेट देने वाला हूँ भाई, वो रहेगी अपडेट बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ट्रेलर से रिलेटेड। और रही बात सॉन्ग की, आप यार कुछ लोग जो है अलिया बाज जफर को इस चीज़ में जो है घुसेड़ रहे हैं कि भाई जो है अलिया बाज जफर की गलती है, उन्होंने ये क्यों किया वो क्यों किया। तो भाई उनका काम है मूवी बनाना, एक्शन दिखाना, वो सब कुछ वो ऑलरेडी कर चुके हैं, शूट हो चुका है, वो आपको ट्रेलर वगैरह देखने को मिलेगा, डेट अभी मैं बताऊँगा आगे वीडियो में। तो उनको नहीं कहनी चाहिए इस चीज़, अगर आपको कहनी है ना तो एक बंदे को कहो, वो है विशाल मिश्रा। इस बंदे ने सच बता रहा हूँ जो पूरा म्यूजिक है कंपोजिंग करके खराब कर दिया है सब कुछ। क्योंकि यार अगर अच्छे कंपोजर को दिया जाता ना, एक अच्छा कंपोजर, मान लिया कि वो थोड़े रोमांटिक उसमें सही रहते हैं, जो हमारे विशाल मिश्रा है ना, उनके लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, पर हाँ वो थोड़े से जो लव सॉन्ग्स रहते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं कंपोजिंग में के मामले में, पर इस समय वो चीज़ नहीं हुई जो हमें चाहिए था। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मतलब थोड़ा सा उनको ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अरे यार एक्शन मूवी है और एक्शन मूवी के हिसाब से जो है हमें BGM भी उसी तरीके का देखना मिलना चाहिए था और भी बाकी चीजें उसी तरीके से होनी चाहिए थी, पर जो है ये अलग ही ट्रैक पे जो है सॉन्ग चल रहे हैं, अलग ही चीजें जो है चल रही है। पर यार क्या ही बोल सकते हैं, आप जो है ट्रेलर को लेकर बात कर लेते हैं, इसको लेकर अपनी भी राय बताना यार आपको क्या कहना है, क्योंकि कुछ लोग जो है सॉन्ग को अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब खुद जो अकियंस है वो भी बोल रहे हैं कि उनको पसंद नहीं आया बिल्कुल भी जो अब सॉन्ग आया है आज वल्लाह, अभी भी उनको पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को पसंद भी आया। तो उसको लेकर क्या ही कह सकते हैं, आप भी जो है बता सकते हो इससे रिलेटेड, अपनी भी जो है भाई राय जरूर बताना कमेंट में, आपको कैसा लगा वल्लाह अभी भी सॉन्ग। और बात करेंगे ट्रेलर जो है, ट्रेलर की रिलीज डेट पता चल चुकी है भाई, मैं बता देता हूँ आप सभी को इसी वीडियो में ही, 26 मार्च को आप सभी को जो है भाई देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर की बात की जाए तो 26 मार्च को आप सभी को देखने को मिलेगा ट्रेलर जो है भाई। अब तो हमें सुपर डुपर कट आउट जो है ट्रेलर का देखना है कि भाई सब कुछ जो है प्रॉपर होना चाहिए ट्रेलर, और जो है हमें मतलब ज़्यादा कुछ रिवील ना करते हुए कुछ धमाकेदार जो है ट्रेलर कट लेके आना अलिया बाज जफर, क्योंकि अब जो है सारी नज़रें जो है सॉन्ग को छोड़ो, अब जो है ट्रेलर पर जो है मतलब डटी हुई है कि हमें धमाकेदार ट्रेलर चाहिए कि एकदम से जो है मूवी का बज हाई कर सके। मुझे ऐसा लगा था कुछ तो कुछ ऐसा एलिमेंट वो रोक कर बैठे होंगे कि जिसके वजह से वो इतना डिले कर रहे हैं चीज़ों को, पर कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि सॉन्ग इतना, सच बता रहा हूँ मैं, सॉन्ग में इतना दम है नहीं जो होना चाहिए था, क्योंकि ये एक्शन मूवी है, प्रॉपर एक्शन मूवी है, धमाकेदार सुपर डुपर सॉन्ग चाहिए थे हमें इसमें से। पर वही बात है, विशाल मिश्रा की थोड़ी सी इसमें मैं गलती कहूँगा, उन्होंने जो है कंपोजिशन अपनी भाई वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, पर रही बात, पर इस जो ये सॉन्ग आया ना अभी तक तीन, इतना खास मज़ा नहीं आ रहा है जो पब्लिक, मेन बात है यार पब्लिक को जो है हिट करने चाहिए सॉन्ग कि हाँ भाई पब्लिक को पसंद आ रहा है, तो वो चीज़ आपको जो है फिर अपने आप ही अच्छी बन जाती है। अगर पब्लिक को हिट कर गई ना, पब्लिक को पसंद आ रहा है, तो फिर वो कैसा भी सॉन्ग हो यार, फिर वो होता ही है, फिर वो वायरल हो जाता है और अच्छा भी लगता है फिर वो। बात ये है, मेन बात ये नहीं है कि भाई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, बात ये है कि पब्लिक को थोड़ा सोच कर इस समय, जो आजकल का सिनेरियो यही है कि जो BGM वगैरह है, अगर आप देखोगे यार किसी भी मूवी की BGM बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, यानी कि बिहाइंड मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आजकल। तो पता नहीं यार क्या किस तरीके से क्या है वो, तो हमें मूवी में देखने को मिलेगा और भी चीज़ें, ट्रेलर वगैरह आएगा, मैंने बता दिया आप सभी को 26 मार्च को आपको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर है, तो कमेंट करके बता सकते हो कितने एक्साइटेड हो आप सभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ से रिलेटेड। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।